हेलो क्लास, आवर टुडेज टॉपिक इज मधुबनी पेंटिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मधुबनी पेंटिंग। तो आज हम आपको राधा और कृष्ण की ये जो हमने पिक्चर ड्रॉ की है, हम ये पिक्चर ड्रॉ आपको बताएंगे आप किस तरह से इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने ब्लैक जेल पेन से स्केचिंग किया है इसका, इसमें हम ऐसे ही हम स्केचिंग आपको करके बताएंगे आप इजीली किस तरह से पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं मधुबनी पेंटिंग। तो आज के हमारे मधुबनी पेंटिंग में हमने ह्यूमन फिगर्स लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें किस तरह से कि फीचर्स इसमें लेते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग में जो फीचर्स लिए जाते हैं वो ऐसे ही लिए जाते हैं, ओरिजिनल लुक नहीं लिया जाता है। तो टुडे चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन ड्रॉ दिस मधुबनी पेंटिंग। नोज को थोड़ा सा पॉइंटेड लेते हैं इसमें, लिप्स थोड़े से बाहर की तरफ आते हैं, चिन है वो भी राउंड में रहेगी थोड़ी सी। मैन और वुमेन दोनों को ज्वेलरी बनाते हैं। आइस ब्रूज जो है वो कर्व्ड होती है और थोड़ी सी लंबी होती है, जो आइस होती है वो भी लंबी होती है और उसमें वो भी कर्व्ड होती है। अभी इसमें भी हम ऐसे ही जो लेडी का जो फिगर होगा वो भी ऐसे ही रहेगा। ये आप एकदम स्मूथ हैंड से आपको ड्रॉ करना है, आपका जो हैंड है वो एकदम स्मूथ होना चाहिए।
आपने देखा यहाँ पर, बस जो आपका हैंड है वो बहुत एकदम स्मूथली हमारा हाँ, आपने देखा एकदम हम स्मूथली ड्रॉ कर रहे हैं, आपको भी ऐसे ही स्मूथली ड्रॉ करना है। आईब्रोज और जो आईज होती हैं कर्व्ड होती हैं बिल्कुल, ओरिजिनल लुक से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं ये। तो बड़ी होती हैं आईब्रोज भी और आईज भी काफ़ी बड़ी होती हैं। अभी हम इसके हेयर वगैरह सब कुछ और बाकी के फीचर्स करेंगे कंप्लीट, जैसे हमने यहाँ पर आप करके दिखाया है और हमने आपको एक्सप्लेन भी किया कि इसकी जो आईज होती हैं और जिसकी बहुत आईब्रो और आईज लंबी होती हैं और एकदम थिन होती हैं, पतली होती हैं और थोड़ी सी लंबी होती हैं, उसमें कर्व बहुत ज़्यादा कर्व होती हैं। इसको आपको पहले पेंसिल से स्केचिंग करना है, उसके ऊपर जेल पेन से लाइन ड्रॉ करना है। और जो नोज़ है आपने देखा एकदम पॉइंटेड है आगे की तरफ और कर्व्ड है,
तो इसकी जो फीचर्स हैं, जो फिगर है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। यही इस पेंटिंग की मानी पेंटिंग की खासियत है। मैन और वुमेन दोनों को में ज्वेलरी होती है। जो लेडी की फिगर होगी उसमें भी ज्वेलरी होगी, है जो मैन की फिगर होगी उसमें भी ज्वेलरी होगी। और जो कलर्स होते हैं वो बहुत ब्राइट होते हैं, लेकिन हम इसमें कलरिंग नहीं कर रहे हैं, ये हम सिर्फ जेल पेन से ही करेंगे इसको। ये हमारी जो बनी पेंटिंग है वो जेल पेन से ही होगी। तो आप कोई भी ब्लैक जेल पेन लेकर या परमानेंट मार्कर लेकर, उसी पहले आपको पेंसिल से स्केचिंग करना है, तो बाद में उस में आपको जेल पेन या परमानेंट मार्कर का यूज़ करना है। इसका पूरा डेकोरेशन आपको पेन से ही करना है, जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं। वी आर नॉट यूजिंग कलर। जब आप ये स्केचिंग करेंगे तब आपका हैंड एकदम स्मूथ होना चाहिए, उसमें पिक्चर में कहीं पर भी हार्डनेस नहीं शो करना है आपको। आपका हैंड एकदम स्मूथ रहेगा तभी उस पिक्चर में आपकी सॉफ्टनेस दिखेगी। इसमें कलरिंग की ज़रूरत नहीं है, ये पेंसिल से ही बहुत अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लगेगी। सिर्फ आपके करने पर डिपेंड करना है, करता है कि आप जो पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं वो एकदम स्मूथ होनी चाहिए, और जैसे हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है हार्डनेस कहीं पर भी शो नहीं होना चाहिए। जब आप अच्छे से मूवमेंट उसके देंगे तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस दिखती है। आपने देखा हमने यहाँ पर कलर यूज़ नहीं किया है, हम सिर्फ ब्लैक जेल पेन से ही इसका पूरा पिक्चर को कंप्लीट कर रहे हैं, और कहीं पर भी आपको हार्डनेस शो नहीं हो रही होगी। आप देखा आपने, हमने कितने स्मूथली एक ही उसमें किया है। इसीलिए आपको पहले पेंसिल का यूज़ करना है, पेंसिल से स्केचिंग करने के बाद आपको इसके ऊपर जेल पेन से, जैसे हमने किया है, जेल पेन यूज़ करके इसका पूरा कंप्लीट करना है इस पिक्चर को।
जो आइज़ है उसमें अच्छा मूवमेंट होना चाहिए, एकदम सॉफ्टनेस दिखनी चाहिए, जैसे यहाँ पर आपने देखा उसका कर्व कितना अच्छे से लिया गया है। इसके लिए आप चारकोल पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं।
अभी इसकी जो ज्वेलरी है इसके अंदर हम डिज़ाइन बना रहे हैं। तो आपने ये देखा हमने किस तरह से आपको ये मधुबनी पेंटिंग की ह्यूमन फिगर किस तरह से हमने आपको एक्सप्लेन की, किस तरह से आप इसमें कि इस पिक्चर को जेल पेन के थ्रू स्केचिंग कर सकते हैं और कलरिंग कर सकते हैं। इट इज़ सो इजी है एकदम, आप इजीली इसको कर सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत अच्छे से आप इसको, सिर्फ आपको अपना हैंड जो है वो स्मूथ रखना है। इसमें कलर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जेल पेन से ही, सिर्फ आपको पहले पेंसिल से, जैसे हमने बताया पेंसिल से स्केचिंग करना है, उसके बाद आपको उस पर मधुबनी पेंटिंग में जेल पेन का यूज़ करना है और इसको जेल पेन से ही आपको शेडिंग देना है। तो ये पूरा कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आई एम शोइंग, आप देख सकते हैं इसको, पास से भी देख सकते हैं। तो आपको ऐसे ही मधुबनी पेंटिंग ह्यूमन फिगर में बनाना है और बनाने के बाद उसका पिक्चर सेंड करना है हमें। इसमें कलर करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको अपना ध्यान रखना है, आपका जो हैंड है वो एकदम स्मूथली, आपको जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किए एकदम स्मूथनेस दिखनी चाहिए उसको, आपको हार्डनेस छोड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ नोज़ है, ये एक ही उसमें आप लिया गया, लेकिन इस तरह से लिया है कि यहाँ से ला के एकदम इसको पॉइंटेड कर्व कर लिया गया। लिप्स आल्सो, आइज़ में भी बहुत ज़्यादा कर्व है, आइज़ इसकी आइज़ भी, और थोड़ा ज़रा थिन भी है इसकी आइज़ और ये दोनों। तो आपको ऐसे ही ह्यूमन फिगर में मधुबनी बनाना है जैसे हमने आपको यहाँ पर स्केचिंग करके दिखाई। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको नहीं इसमें कुछ आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इसका पिक्चर आपको मिल जाएगा आप वहाँ से, और वीडियो भी आप वहाँ से देख के भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। ओके, बाय बाय।